चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर। कैसे हैं आप लोग और कैसी है आपकी शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन? इस वीडियो में जो कि एक लिंक वीडियो है ऑलरेडी, इसका स्मार्ट आउटलाइन का वीडियो मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब जो वीडियो मैं बना रही हूँ, इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिक्टेशन विद आउटलाइन एक्सप्लेन करूंगी और आफ्टर दैट मैं आपको इसकी डिक्टेशन प्रोवाइड कराऊंगी। तो ये लिंक वीडियोज होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए और आपकी शॉर्ट हैंड के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए। तो चलिए देखते हैं उन स्मार्ट आउटलाइन के बिहाफ पर हमारी ये पूरी डिक्टेशन किस तरह से अपना रोल प्ले कर रही है और किस तरह से हम इसको पूरा बना पा रहे हैं। ये पूरी की पूरी डिक्टेशन मैं आपको 70, 80, 90 एंड 100 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन की स्पीड से डिक्टेट भी करती हूँ। अगर आपको इससे एडवांस स्पीड चाहिए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए कि आपके लिए इस समय कौन सी स्पीड चाहिए और कौन सी स्पीड के वीडियो आपके लिए ज्यादा बेनिफिटेड है। तो अभी चलिए हम शुरू करते हैं अपनी डिक्टेशन की एक्सप्लेनेशन। तो देखिए हाइपरसोनिक, तो हाइपरसोनिक तकनीकी विकसित करने के लिए, सॉरी हमारा है करने की, तो लिए वाला ये नहीं लगेगा, बस ये इतना ही डिफाइन हो जाएगा। करने की दिशा में भारत की कामयाबी स्वागत योग्य है, पूर्ण विराम। हमारा देश इस तकनीकी के विषय में, अब देखिए शहरों के नाम, इवन राज्यों के, देशों के नाम आ गए हैं तो हम मार्क लगाना जरूर डिफाइन करेंगे कि हम ध्यान से लगाएं, कॉमा रूस कॉमा और चीन के बाद चौथा देश हो गया है, पूर्ण विराम। कोई भी शब्द अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, भारत सोमवार को उड़ीसा, मैं उड़ीसा ऐसे ही बनाती हूं, मुझे ऐसे ही पढ़ने में आता है। मैंने स्मार्ट आउटलाइन में इसका सेकेंड ऑप्शन बताया है, प्लीज आप वहां जरूर देखिएगा इसको। उड़ीसा के बालासोर, देखिए बालासोर चूंकि फर्स्ट प्लेस मात्रा है तो हमने इसको लगाया भी लाइन से ऊपर है, स्थित APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। यहाँ इतना बड़ा है, यहाँ इतने से में आ गया ये भाई, ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी आ जाएगा। वैसे ये तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, अगर हम टफ वर्ड की बात करें तो देखिए हाइपरसोनिक थोड़ा ज्यादा टफ था सर। APJ अब्दुल कलाम का जो नेम था वो हमने जो स्टार्टिंग में APJ सर लिखते थे उसी तरह से लिखा है, फिर अब्दुल कलाम, इस तरह से हमने इसको डिफाइन किया है। अब देखिए परीक्षण रेंज, तो यहां पर रा बनाया और ये बगैर गैपिंग वाला जा, ये इसको ध्यान में दीजिए हाँ, ये जो हमने यहां पर बनाया है विदाउट गैप है, सा का व्रत नहीं बना है, ये इंग की साउंड के लिए हमने बनाया है। से सफलता पूर्वक परीक्षण कर सका है तो यह भारतीय वैज्ञानिकों को विशेष बधाई देने का भी अवसर है, पूर्ण विराम। हमारा देश, अभी कंबाइंड कर दिया मैंने, ध्वनि की गति से भी 6 गुना ज्यादा तेजी से यान या मिसाइल प्रक्षेपित करने की योग्यता हासिल करने की ओर बढ़ चला है, पूर्ण विराम। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी बना रही हूं,
एक्चुअली वर्ड्स सारे माइंड में सेट होते हैं तो कब बन जाती है डिक्टेशन पता नहीं चलता, ठीक है। बट अगर आपको लग रहा है तो प्लीज मुझे बताइएगा, तो मैं थोड़ा और स्लो कर दूंगी वर्ड्स को, ठीक है। बढ़ चला है, सबसे खास खामे साका व्रत बात भारत स्वदेशी, ठीक है। स्वदेशी, देखिए स्व का बनाया व्रत, देश का होता ही, इसी को बाहर निकाल दिया। तकनीकी इंजन के दम पर इस मुकाम को हासिल करने जा रहा है, बड़ा कर दिया इसको पूर्ण विराम। अब यहां पर देखिए शब्द आया हमारा रक्षा अनुसंधान, तो हमने कैसे लिखा इसको, देखिए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, ठीक है पूरा आ गया। फिर से देखिए यहीं पर बता दे रही हूं मैं, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, विकास में ही संगठन को हम ऐड कर देंगे तब इस पूरे शब्द को बनाएंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको बनाया। इसके बाद देखिए DRDO अगर कहीं भी आता है तो आप इसको ऐसे ही लिखोगे, इसको शॉर्ट हैंड में मत लिखिएगा, बहुत लंबा बनेगा, आप कुछ शॉर्ट नहीं कर सकते उसमें, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दैट पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी, तो ऐसा वर्ड हम क्यों बनाएं जो हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम करे। आप इसको ऐसे ही लिखें और ऐसे ही पढ़ें, द्वारा विकसित हाइपरसोनिक टेस्ट डिटेक्टर व्हीकल, अब यहां इसका हम लिख देंगे HSTDV का परीक्षण सोमवार सुबह 11:30 ऐसे ही लिखेंगे, बजे इसी के पास में ऐड कर देंगे। अग्नि मिसाइल बूस्टर, तो हम बूस्टर को बाकी व्यंजन रेखा को थर्ड प्लेस पे लेके साका व्रत बना के मात्रा लगा के भी टर डर के लिए डिफाइन कर सकते हैं, बूस्टर का उपयोग करके किया गया पूर्ण विराम। आगे की तैयारी अगर सही चली तो भारत 5 वर्ष, पास में ही लिखेंगे तो पढ़ने में आसानी रहेगी, में एक सक्षम स्क्रैमजेट इंजन, अब देखिए स्क्रैम जेट इंजन, ये पूरा हमने यहां पर डिफाइन कर दिया, यहां लाइन नहीं है मैं खींच देती हूं, के साथ हाइपरसोनिक क्षमता विकसित कर लेगा पूर्ण विराम। भारत की अंतरिक्ष और विमानन शक्ति बहुत बढ़ जाएगी पूर्ण विराम। भारत के लिए, ठीक है, प्रति सेकंड, तो देखिए प्रति का बनाया प्रत्येक प्रति और वहीं पर सेकंड को छोटा कर दिया, 2 किलोमीटर से भी अधिक की रफ्तार के लिए, इसको इस के चाप को ना उल्टा बना देंगे तो फ के लिए आता है, रफ्तार हासिल करना संभव होगा पूर्ण विराम। यह परीक्षण गति तापमान प्रदर्शन के हर पैमाने पर आशा के अनुरूप रहा है पूर्ण विराम। यह हाइपरसोनिक, अब यहीं पर विकल भी आया है तो यहीं पर ऐड कर देंगे विकल, न केवल 2500, इसको चेंज नहीं करेंगे हम, डिग्री सेल्सियस के तापमान को झेलने में सफल रहा है
अत्यधिक, तेज रफ्तार भी इसकी राह में बाधा नहीं बन पाई है। खास बात यह है कि इस तकनीकी का प्रयोग मिसाइल के अलावा भी अन्य सकारात्मक कार्यों में हो सकेगा। पूर्ण विराम। अभी जो तकनीकी विकसित हो रही है वह मानव रहित तेज विमान की तकनीकी है, लेकिन भविष्य में मानव के सवारी योग्य हाइपरसोनिक यान इसी में जुड़ता जाएगा का निर्माण भी संभव है। इसके अलावा भारत जिस तकनीकी का विकास कर रहा है वह किफायती है और भविष्य में भारत के लिए सैटेलाइट, इसको छोटा कर देंगे, लॉन्च करने का खर्च भी बहुत कम हो जाएगा। पूर्ण विराम। ठीक है, हाइपरसोनिक व्हीकल में अमेरिका का विकास काबिले तारीफ है। पूर्ण विराम। वैसे इस गति से, गति कभी कभी हमें इस तरह से पढ़ने में प्रॉब्लम कर सकता है, तो अब क्या करोगे, देखो पूरा लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दो शब्द अगर पूरे लिखते हो मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा इश्यू आएगा, क्योंकि अगर वो छोटा गया वो शब्द आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो क्या फायदा होता है उसका। आपको पढ़ना भी तो चाहिए वो शब्द, ताकि आप उसको प्रॉपर डिफाइन कर पाए कि भाई आपने लिखा क्या है वहां पर। तो उसको पढ़ने के लिए आपको समझना जरूरी है, और समझने के लिए ऐसा फॉर्मेट बनाना जरूरी है जो आपको पढ़ने में आ जाए। यात्रा करने वाले पहले इंसान रूसी अंतरिक्ष यात्री, अब यात्रा का बनाया था ना उसी में ये मात्रा निकाल देंगे बाहर, यात्री यूरी गैगरीन, तो हमने लिखा देखिए यूरी गैगरीन थे साल 1961 में उनका यान, ठीक है, उनका यान जब पृथ्वी के वातावरण की ओर लौटा तब उसकी गति हाइपरसोनिक हो गई थी। अब थी था तो वो भी हमने यहीं पर लगा के उसको फाइनल कर दिया, छोटे छोटे वर्ड थे क्लियर हो जाते हैं। पृथ्वी की ओर आने की स्वाभाविक गति इतनी तेज होती है कि गिरने या आने वाली चीज में आग लगना आम बात है। जैसे कि आपको याद होगा कि कल्पना चावला का भी एयरक्राफ्ट जो था वो क्रैश हुआ था, उसका भी यही रीजन था कि उसका जो धरती पर आना था वो इतना ज्यादा फास्ट था कि वो वहां के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट ही नहीं हुआ था। और हमारी एक बेहतरीन अंतरिक्ष यात्री, हमारे देश की एक बहुत बेहतरीन संपदा हमसे विदा हो गई थी। चलिए कोई नहीं, शायद उनकी ये हम कह सकते हैं कि शहादत हमारे देश को और आगे ले जाए।
लेकिन आग से बचने की तकनीकी 1960 के दशक में ही साकार हो चुकी थी, जिससे अंतरिक्ष यानों कभी भी इस तरह से नहीं काटेंगे जैसे मैंने काटा, ठीक है। आप क्या करेंगे, अगर कोई वर्ड गलत होता है तो छोटा सा क्रॉस डाल के आगे बढ़ जाइए, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। इट्स जस्ट एन एक्सप्लेनिंग फॉर दैट कि इतना टाइम नहीं होता है कि हम उसको 3-4 बार या ऐसे ऐसे खिचड़ी पकाएं वहां पर, ठीक है। छोटा सा क्रॉस डालिए, बस आगे बढ़ जाइए। क्रॉस देना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर आप क्रॉस नहीं देंगे तो आप उसको कई चीजों से लिंक कर सकते हैं। आप कॉन्ट्रैक्शन समझ सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं कि वहां पर आपने जो शब्द लिखा था उस पर कोई और शब्द भी अप्लाई किया है, तो इसलिए क्रॉस देना जरूरी होता है, ठीक है। अंतरिक्षयानों और यात्रियों का पृथ्वी पर लौटना संभव होने लगा था, लेकिन पृथ्वी की ओर से हवा में इतनी ही गति को हासिल करना चुनौतीपूर्ण था, पूर्ण विराम। तो इस तरह से हमने ये पूरी एक्सरसाइज, जिसकी कि मैं इन फ्यूचर आपको इसके बाद के वीडियोस में डिक्टेशन दूंगी एक्सप्लेन की, अब आप इसको प्रॉपर 1-2 बार बना के देखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी टफ वर्ड हैं आप उनको प्रॉपरली देखें और समझें, ताकि आपकी मिस्टेक्स कंट्रोल हो। तो अभी के लिए अगर ये वीडियो आपकी शॉर्ट एंड स्टडीज के लिए हेल्पफुल रहा है और आपको नए नए वर्ड्स प्रोवाइड किए हैं, तो प्लीज जल्दी से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। थैंक यू।